नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल ऑल इन वन मूवी में। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मोबाइल के रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, और आपको अगर हमेशा नए नए अपडेट वीडियो चाहिए मोबाइल के रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन के सामने जो फोन दिखाई दे रहा है, ये HTC का U11 फोन है। दोस्तों HTC का अभी का ये सबसे नया फोन है जो कि HTC ने लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन के बारे में मैं आज आपको पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, क्या इस फोन में अच्छा है, ये सब बातें बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फोन में आपको 4 या 6 GB का रैम मिल सकता है। मतलब ये दो वेरियंट में आया हुआ है, 4 GB रैम या 6 GB रैम के साथ आया हुआ। और जो इसका स्टोरेज है दोस्तों, 64 GB और 128 GB स्टोरेज के साथ ये फोन है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस फोन में दोस्तों एक्सपेंडेबल मेमोरी जो है दोस्तों, उसको आप 2 TB तक लगा सकते हैं। मतलब कि 2000 GB तक का भी आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन बात एक ही है कि या तो आप 2 SIM लगा पाएंगे, नहीं तो 1 SIM या 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड स्लॉट है इसमें। ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें सिम लगता है, इस तरफ में यहाँ पे सिम लगता है। इसमें दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप या तो 1 SIM 1 मेमोरी कार्ड, नहीं तो 2 SIM लगा पाएंगे। और अगर मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो आप 2000 GB तक भी मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और स्टोरेज में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि 64 GB या फिर 128 GB में आया। 128 GB वाला थोड़ा महंगा होगा, और रैम के मामले में 4 GB और 6 GB रैम के साथ ये फोन आया। दोस्तों ये जो फोन जो है, सामने का जो लुक दिखाई दे रहा होगा, जो थोपड़ा है इस फोन का सामने, इसका जो डिस्प्ले है वो 5.5 इंच का डिस्प्ले है सामने, क्वाड एचडी डिस्प्ले है, जो कि सुपर LCD 5 है। और ये जो है कवर है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कवर है, 3D का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कवर। मतलब ये फोन जल्दी टूटेगा नहीं, गिरेगा भी तो। ऐसे बजट देखा जाए तो ये फोन काफी महंगा पड़ जाता है, 50,000 के आसपास अभी मार्केट में रेट चल रहा होगा इसका, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आने ही वाला होगा, ये अभी आया नहीं है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको इसका थोड़ा पीछे वगैरह का लुक दिखा देता हूँ, पीछे से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, क्या फीचर्स है वगैरह, ये सब बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम इसके पीछे की बात करें तो ये फोन कुछ इस तरह दिखाई देता है। दोस्तों आपको इसमें जो दिखाई दे रहा होगा, जो कैमरा जो है पीछे का, ये आपको मिल जाएगा 12 MP का कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे डुअल फ्लैश भी है साइड में, आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे के लेफ्ट साइड में डुअल फ्लैश है। और इसका जो सामने का जो कैमरा, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि सामने का जो कैमरा है उसका मेगापिक्सल थोड़ा पीछे से ज्यादा है, वो 16 MP का कैमरा है, जो कि दोनों कैमरा BSI सेंसर के साथ बना हुआ है। और इसका जो पीछे का जो कैमरा, उसका अपर्चर है 2.0 से फोटो खींच सॉरी दोस्तों पीछे का कैमरा का जो अपर्चर है वो 1.7 अपर्चर से फोटो खींचता है, और सामने का जो है 2.0 अपर्चर से फोटो खींचता है। ऑटो सेल्फी दोस्तों ये फोन ले सकता है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये फोन जो है ऑटो सेल्फी लेता है, मतलब कि अगर आप स्टिल शांति से खड़े हो जाते, से आप फोटो क्लिक कर रहे एकदम शांत हो जाते, या फिर आप स्माइल कर देते, तब भी ये फोटो सेल्फी ले लेगा आपका। और स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों कैमरे के बारे में हम थोड़ा और भी बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जो डायमेंशन वगैरह है फोन का, लंबाई चौड़ाई बताना चाहूंगा। दोस्तों इसकी जो लंबाई है 153.9 इंच है, और चौड़ाई जो है 75.9 इंच, और इसका जो विड्थ है वो 7.9 इंच का ये जो फोन है जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपको अब मैं इसका साइड का लुक दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों आपको इस फोन का राइट साइड का लुक, जो कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि एक पावर बटन है नीचे, और ऊपर जो है वॉल्यूम की है, मतलब एक ही की में दोनों वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों की। दोस्तों बताना चाहूंगा कि दोस्तों इसमें, इस फोन में आपको एंड्रॉयड का 7.1 नॉर्मल मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड का अभी से भी एक लेटेस्ट आ गया, और ये जो कि लगभग सारे फोन में देता नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके प्रोसेसर CPU वगैरह की बात करूंगा, तो पहले उसका भी कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद ही दिखाऊंगा। दोस्तों अब हम इसके CPU स्पीड की बात करें तो प्रोसेसर वगैरह के बारे में, तो बताना चाहूंगा दोस्तों इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन Gate 35, जो कि सबसे बेस्ट प्रोसेसर अभी का माना जा रहा है, वो प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाता है, स्नैपड्रैगन Gate 35। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेसर है 64 बिट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि 2.545 GHz तक का स्पीड देता है। दोस्तों इसमें एंड्रॉयड नौगट लगा हुआ है 7.1 का, इससे अभी नया भी अपडेट आ गया और ये जो कि लगभग सारे फोन में अभी आया नहीं, क्योंकि नया नया ही अपडेट है। इस फोन का जो दोस्तों वेट जो होगा आपको बता दूंगा, ज्यादा ना ही ज्यादा भारी ना ही हल्का है, 169 ग्राम का ये जो फोन है। डायमेंशन मैं आपको बता ही दिया, डिस्प्ले फीचर बता ही दिया। अब दोस्तों मैं आपको इसका कैमरे के बारे में थोड़ा फुल डिटेल्स के हिसाब से बता देता हूँ। दोस्तों आइए अब हम इस फोन के कुछ कैमरे के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो प्राइमरी कैमरा होता है, मतलब मेन कैमरा, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है वो बताना चाहूंगा कि आपका ये 12 मेगापिक्सल का आपको इस फोन का मेन कैमरा मिलेगा, BSI सेंसर के साथ मिलेगा।
जिसमें कि आप दोस्तों ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन फीचर वो भी आपको मिल जाता है इस कैमरे में दोस्तों। आप किसी भी कंडीशन में रात हो या दिन, इसमें आप अच्छी तरह से मेन कैमरे से फोटो खींच सकते हैं। इसका जो मेन कैमरे का जो अपर्चर है वो 1.7 है, फोकस करता है 1.7 अपर्चर से। इसमें दोस्तों आपको डुअल एलईडी लाइट मिल जाएगा, मतलब फ्लैश लाइट मिल जाएगा पीछे लेफ्ट साइड में, मेन कैमरे के लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। सिंगल कैमरा दोस्तों मेन का स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा दोस्तों, 120 फ्रेम पर सेकंड से 1080 पिक्सल का ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा स्लो मोशन में। 4K वीडियो रिकॉर्ड भी करता है ये। अब आइए दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का BSI सेंसर के साथ आएगा, जिसका कि फोकस है अपर्चर 2.0 का है। मतलब फ्रंट कैमरा उससे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा दिया गया। ऑटो सेल्फी ले सकता है, मतलब कि आप स्माइल करेंगे तो आपको खुद सेल्फी आ जाएगा। उसका मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा कि ऑटो सेल्फी कैसे लिया जाता है। स्माइल करेंगे, स्टिल खड़ा रहेंगे तभी आ जाएगा। और फुल HD 1080 पिक्सल मतलब 1080 पिक्सल में आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है इसका फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों दिखा देता हूँ आपको ये ऑटो सेल्फी कैसे लेता है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, आप कैमरे में गौर से करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ये लड़की जा रही है, जैसे ही रुकी इसने फोटो क्लिक कर लिया। मतलब कि आपको अब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जो कैमरे के हैंडल करने में, मतलब कि क्लिक करने में वगैरह में, मतलब ये ऑटो सेल्फी भी ले लेता है फोटो। तो ये इसका स्पेशल फीचर है जो कि फ्रंट कैमरा में दिया गया है, ऑटो सेल्फी ले लेता है, वॉइस सेल्फी भी ले लेता है। अगर आप बोलेंगे तब भी फोटो क्लिक हो जाएगा, ओके करके कुछ बोलेंगे तब आपका सेल्फी क्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कैमरे का फीचर्स। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको इस फोन में आपको, अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इसके बॉक्स में क्या मिलेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है दोस्तों जब आप फोन खरीदते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा आपको ये फोन मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है HTC का फोन मिलेगा। दूसरा दोस्तों आपका इसके साथ एक कवर मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चार्जर मिल जाएगा जो कि USB Type-C है, मतलब कि Type-C चार्जर भी जितने भी नए फोन निकाल रहे उसमें Type-C का चार्जर मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ दोस्तों देख लीजिए जो आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर ट्रे पिन है, मतलब कि सिम को इजेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ये जो आपका चार्जर है जहाँ पर कि आपका ये प्लग लगेगा ये मिल जाएगा। उसके बाद डस्ट क्लॉथ मिल जाएगा दोस्तों आपको फोन को धोने के लिए। उसके बाद दोस्तों इसके साथ आपको एक ईयरफोन मिल जाता है, यहाँ देख लीजिए आपको ईयरफोन दिखाई दे रहा हो। तो यही सब सामान है दोस्तों जो आपको फोन में मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जो आपको दिखाई दे रहा है जैक अडेप्टर है, मतलब 3.5 mm जैक, मतलब USB Type-C से, मतलब इसका जो Type-C है चार्जर वहां से लेके आपको 3.5 mm का जो जैक होता है जिसमें आप ईयरफोन लगाते हैं वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही हो गया फोन का फीचर। दोस्तों अब मैं इसका लगभग सब कोई फीचर बात कर ही दिया हूँ दोस्तों। बताना चाहूंगा इसका जो ब्लूटूथ सपोर्ट है वो 4.2 का है, और इसका जो बैटरी जो है वो 3000 mAh का बैटरी है, जो कि दोस्तों अच्छा अच्छा ही बैकअप होता है 3000 mAh बैटरी में ज्यादातर देखा जाए तो। पावर सेविंग मोड भी दे रहा है ये फोन तो, और भी अच्छा क्विक चार्ज भी है 3.0 का। तो फोन दोस्तों ऐसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रोटेक्शन भी दिया गया है IP67 का। तो दोस्तों लगता है मैंने आपको सारा फीचर्स बता ही दिया है, और अब भी आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।